हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो आज का मौसम आप देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पे चल रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत ही हुई है। इस बार पता नहीं क्यों हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। इवन तक हम लोग भी वेट कर ही रहे हैं, क्योंकि धान की फसल अभी लगानी बाकी है। तो चलिए, ये तो थी मौसम की बात, और अब स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। बहुत लंबा तो आज का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, बस थोड़ा बहुत जो भी कैप्चर कर पाई हूँ वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये मेरी डिनर रूटीन है, और कल मंगलवार था, तो मंगलवार को एज़ यूज़ुअल हम मटर पनीर बनाते हैं। मेरे पतिदेव का फास्ट होता है। आज पतिदेव तो घर में है नहीं, लेकिन वो हो चाहे ना हो, हम तब भी ट्यूसडे को हमेशा ही मटर पनीर ही बनाते हैं। तो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत बार मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर चुकी थी, तो मुझे लगा कि आप बोलोगे कि बार बार एक ही चीज़ दिखाती रहती है। तो इसीलिए फिर अभी मैं ये सर्व कर रही हूँ, वही चीज़ मैंने थोड़ी सी कैप्चर की है। तो मैंने यहाँ पे चावल बनाए हैं, और साथ में आम की खट्टी मीठी चटनी भी है, और मटर पनीर बनाए हैं, साथ में चपाती और रायता भी है। तो बस आप देख लीजिए। ये हमारी मॉर्निंग रूटीन है, और आज मेरा मिट्टू मेरी हेल्प कर रहा है किचन में, बस उसको आज खाना बनाना है। तो आप भी देख लीजिए कि किस तरह से मेरा मिट्टू मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये मैं बना रही हूँ आलू गोभी। मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, बनाई तो ये सब मिट्टू नहीं है। तो आप देख लीजिए किस तरह से इसने बनाई है। मजाक कर रही हूँ, आप सीरियसली मत बोलने लग जाना कि बच्चों से काम कराती है। इसकी बातें इतनी प्यारी प्यारी होती है ना, कि जब भी ये किचन में इस तरह से आ जाता है ना, तो बहुत धमाल मचा के रखता है। तो सब्ज़ी में अभी सूखे मसाले डालने के बाद प्याज और आलू मैंने एक साथ डाल लिए हैं। आलू को पहले मैं पकने दूंगी ऑयल में ही, उसके बाद ही फिर आगे के मसाले इसमें ऐड करूंगी। इस तरह से अगर आप ऑयल में ही थोड़ी देर आलू को पका लेते हो ना, तो उसका जो कसैला सापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और बहुत टेस्टी बनते हैं आलू। तो जब ये थोड़े हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तब मैं इसमें डाल रही हूँ फिर ये हल्दी, लाल मिर्च पाउडर
और थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा मसाले मैं आज इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी बना रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट में बहुत टेस्टी ये बनी थी। इस तरह से कभी कभी सिंपल चीज़ें भी बहुत टेस्टी बन जाती है, बस पकाने की टाइमिंग अगर आपकी सही है ना तो आपको ज़्यादा मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस इतना सा ही मैंने आज डाला है, और बस नमक मैंने नहीं डाला था वो भी डाल लिया है। इसके बाद मैंने ये ग्राइंड करके टमाटर इसमें ऐड किए हैं, तो अब मैं इन्हें भी पकने दूंगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दें। और बस फिर हमारा ये मसाला रेडी है, और जब तक ये बन रहा है तब तक मैं अपनी गोभी प्रिपेयर कर लूँगी काट के धो के। और अभी आप देख सकते हो मसाला रेडी हो चुका है, और अब मैंने इसमें ऐड कर ली है ये गोभी। अभी आप देख लीजिए खुद ही, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आया है और देखने में ही बहुत लजीज लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाले ही आप ऐड कीजिए, अगर आप हमेशा हल्की आंच पे पकाते हो ना सब्ज़ी को तो वो खुद ब खुद टेस्टी बन जाती है। तो बस अब मेरी आलू गोभी तो रेडी है, और एक बार फिर मैं आपको मौसम दिखा दूं। बारिश अभी रुक चुकी है और बहुत ज़्यादा कैप्चरिंग मैंने नहीं की क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, वो क्यों हूँ वो आगे आपको पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं बना रही हूँ, एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे आपसे करनी थी वो ये है कि आज ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कल शाम से ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे एक मैसेज पॉपअप हो रहा था बार बार, था कुछ मतलब कि एक्चुअली यार मैंने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से करती थी क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी मेरी गलती की वजह से कुछ भी गलत हो जाए। तो बार बार वो मैसेज मुझे पॉपअप होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि मैं जब भी आपको रिप्लाई करती थी, इवन तक मुझे अगर कुछ बुरे कमेंट्स भी आ जाते थे ना तब भी मैं उनको हमेशा बहुत ही प्यार से ही उनका मतलब आंसर करती थी। और ये मेरा नेचर भी है कि मैं कभी भी कोई उल्टा भी बोलता है तो एक हद तक मैं उसको बहुत प्यार से ही उसका आंसर करती हूँ, फिर जब वो ना माने तब अलग चीज़ होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे किसी को भी कोई मैसेज नहीं किया था, मतलब कि कमेंट इस तरह से रिप्लाई किया या कुछ भी, फिर भी पता नहीं क्यों कैसे मैसेज पॉपअप हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। अब टेंशन तो यार होनी थी क्योंकि YouTube जो है ना दूसरा मौका कभी नहीं देता, एकदम से बस सस्पेंड और कुछ भी आंसर भी नहीं देता कि क्यों हुआ क्या हुआ, पहले तो ऐसा ही होता था। अब YouTube ने ये रूल निकाला है कि एक बार मेल आती है, खैर मेल वेल इस तरह से तो कुछ भी मुझे नहीं आया है। और इसी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं आज शॉपिंग करने भी गई मार्केट, और मैं ये लेके आई हूँ फिर वहाँ से चॉपिंग बोर्ड। आप में से कुछ एक हमेशा लिखते रहते हैं ना कि चॉपिंग बोर्ड पे वेजिटेबल्स को चॉप किया कीजिए, तो बस उनकी जो ये रिक्वेस्ट थी मैंने पूरी कर दी, मैं ले आई चॉपिंग बोर्ड और अब से मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही चॉपिंग किया करूँगी। सीरियसली यार बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं आज, और कुछ दिनों तक मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूंगी, हाँ पढ़ूंगी ज़रूर क्योंकि आपके कमेंट्स ही जो है हमें इंस्पिरेशन देते हैं आगे के लिए अच्छा वर्क करने के लिए, तो कमेंट पढ़ना तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, पर हाँ रिप्लाई मैं नहीं करूंगी। अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और आपके साथ के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप साथ नहीं दोगे तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल ही है। तो थोड़े दिनों के लिए मैं ये रिप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या हुआ क्या किस चीज़ की वजह से ये हुआ, तो फिर इसके बाद जैसे ही मतलब मुझे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई, कहाँ पे मुझसे गलती हुई या फिर किसी ने जान के कुछ भी गड़बड़ किया है, तो जब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा तब तक सॉरी मैं आपके कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाऊँगी। हाँ पढ़ूंगी ज़रूर, इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा कि मैंने आपके मैसेज नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आपके मैसेज ही मुझे इंस्पिरेशन देते हैं आगे के लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए। और बाकी पता नहीं क्या होगा, अभी भी मैं बहुत टेंशन में ही हूँ कि क्या हो रहा है क्या है क्यों नहीं है, मतलब कि यार मैं बता भी नहीं सकती कि किस तरह की टेंशन अभी माइंड में है। मैंने उनको भी फ़ोन किया, उनसे भी बता रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर वो भी मुझे ही डांट रही थी, तब तो वो सबको मैसेज करती थी हाँ जी थैंक यू ऐसा है वैसा है, तो खैर वो तो मेरा मुझे लगता था कि यार जब आप इतना टाइम लगा करके मुझे एक मैसेज करते हो तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं आपका रिप्लाई अच्छे से दूँ। तो
पता नहीं अब इस रिप्लाई के चक्कर में क्या होने वाला है क्या नहीं, अब ये क्यों हुआ मुझे वो भी पता नहीं है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, इधर उधर से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, आखिर क्या हुआ ऐसा। तो पता नहीं अभी मुझे पता चल भी पाएगा या नहीं, पता नहीं, कोई खतरे वाली ही बात नहीं है, मैं बहुत टेंस्ड हूँ अभी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।